हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईस्ट बंगाल एफसी के संपर्क में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट ने पहले ही ये क्लियर कर दिया है कि वो आने वाले सीजन के लिए काफी ज्यादा स्ट्रांग टीम बनाने को देख रहे हैं और इसी के कारण बेंगलुरु एफसी के साथ आईएसएल विजेता कोच कार्लोस क्वाद्राट को भी आने वाले दो सीजन के लिए ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट ने कंफर्म किया है। और अभी फिलहाल ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट की तरफ से जैसे कि खबर है कि काफी सारे प्लेयर्स को टारगेट किया है और काफी सारे प्लेयर्स के साथ ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट का बातचीत भी जारी है। तो दोस्तों, अभी फिलहाल एक नया खबर आ रहा है ईस्ट बंगाल एफसी की तरफ से। तो दोस्तों, खबर है कि जमशेदपुर एफसी के फॉरवर्ड के खिलाड़ी फारूक चौधरी को ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट अपने टीम में साइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, फारूक चौधरी ने पहले मुंबई सिटी एफसी के लिए भी खेला है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इन्होंने आईएसएल में खेला है जमशेदपुर एफसी के लिए ही। तो खबर है कि जमशेदपुर एफसी भी कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाना चाहती है फारूक चौधरी के साथ, लेकिन ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट टारगेट कर रहे हैं फारूक चौधरी को। और उसके अलावा भी ओडिशा एफसी का नाम भी सुना जा रहा है कि वो फारूक चौधरी को अपने टीम में साइन करवाना चाहते हैं। तो दोस्तों, अब देखना यह है कि फारूक चौधरी का फ्यूचर आने वाले सीजन में क्या होगा। तो जो भी अपडेट आता है मैं आप सभी से जरूर शेयर कर दूंगा। तो चलो दोस्तों, फिलहाल ये वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो। तो चलो दोस्तों, अब हम मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।